यार अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंडीशन है, पहली बात कंडीशन है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अदरवाइज चिल करो, कोई टेंशन नहीं। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, आज चैनल पर आ गए एक और ब्रांड न्यू प्रोडक्ट के साथ, जो कि है एक एग बॉयलर एंड वेजिटेबल स्टीमर। ठीक है, ये मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ इस प्रोडक्ट को, ये सेकंड टाइम इसको मैं बाय कर रहा हूँ और काफ़ी एक अच्छा है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। इसमें क्या सीन है कि इसको हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं, बाद में इसमें कुछ जो प्रिकॉशंस हैं, इसको कैसे यूज़ करना है वो बता दूंगा कि ये कैसे जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि इससे पहला था वो ख़राब किस तरह, वो भी आपको गाइड कर देता हूँ सारा, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो इसके अलावा मैं इसमें वेजिटेबल्स भी बॉयल करके दिखाऊंगा, मैं एग्स भी बॉयल करके दिखाऊंगा, और जो जो चीज़ इसमें बॉयल हो सकती है वो मैं सारी ना इसमें बॉयल करके ना फिर ड्यूरेशन के साथ, मतलब आज एग्स बॉयल कर लूँगा, कल वो, फिर इकट्ठा वीडियो को कंपेयर करके फिर अपलोड करूँगा। तो इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो ये है तकरीबन 550 का, ऊपर भी लिखी हुई है इसकी प्राइस, ये जो ऊपर चेक कर सकते हो आप, और है भी इतने का उसने, दुकानदार ने हमें इतने का दिया। ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो इसके अंदर एक छोटा सा एग बॉयलर है जो कि ये है, इसके अंदर बॉक्स खाली है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये एग बॉयलर है, यह चेक करो इसका टॉपर साइड पे, और ये है एग बॉयलर, सही है। इसके में हम लोग ये रबर ऊपर से उतार लेते हैं, वो गया। तार इसकी इतनी सी है, इसकी वायर इतनी है, और ऊपर अगर ये ग्रीन लेते हो आप, ये भी आपको ग्रीन मिलेगा, अगर आप ब्लू लेते हो, मेरे पास तो पहले ब्लू कलर का था। ठीक है, तो ये है एग बॉयलर। ठीक है, ये एग बॉयलर एक एट अ टाइम इसमें हम लोग 7 अंडे रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और मिडल में भी एक 7। ठीक है, इसमें बात करूँ, इसका कैप है ये वाला सिंपल, ये इसकी वायर है पीछे से, और यहाँ पे अगर हम लोग इसको मैं साइड पे रख दूँ, तो इसको मैं ऊपर से साइड पे करूँ, तो ये अंदर ये सीन है, बस ये है और कुछ नहीं है, छोटा सा है। मेरे ख्याल में ना ये वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ना होना चाहिए, अगर आप लोग हॉस्टल में, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं सारे, तो हम लोग ये बड़े काम आया हमारे ना, इतने हमने इससे अंडे बॉयल कर दिए ना, कि मतलब क्या ही बात है, ये ख़राब किस तरह वो भी आपको बताता हूँ। इसका क्या सीन है, ऊपर लिखा हुआ है अगर आप लोगों ने हाफ बॉयल अंडा बॉयल करना है तो 5 मिनट लगाएं, अगर आपने फुल करना है तो 10 मिनट, लेकिन हम लोग इससे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, मतलब 5 कह रहा है, हम लोग 7 लगा लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है, और 10 कह रहा है तो हम लोग वहाँ पे 13 लगा लेते हैं तो वो फुल बॉयल कर देता है। ठीक है, तो इसमें पानी की जहाँ तक है तो पानी इसमें हम लोग इस तरह डालते हैं पानी, ठीक है, और इसको ऐसे ऊपर रख देते हैं, और कोशिश करते हैं कि ये फ्रेम से, ये जहाँ पे ये बने हुए हैं छोटे छोटे से, ये जो उनसे बने हुए नीचे वाले कर्व, इनसे थोड़ा सा नीचे पानी रखते हैं, इनके बराबर ये वाला जो है, इतना इतना पानी हम लोग डालते हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बॉयल करके भी दिखाता हूँ, वो अलग सीन है, लेकिन इसको जो प्रिकॉशन है जो कि इसको ख़राब होने से बचाए वो चीज़ें वो क्या है, एक तो ये चीज़ है कि मैंने इसमें एग्स भी बॉयल किए हैं, मैंने इसमें सब्जियां भी बॉयल की हैं, जैसे कि मैंने इसमें शकरकंदी बॉयल की है। शकरकंदी का ये सीन है कि वो काफ़ी ज़्यादा ना जो स्वीट पोटैटो है वो काफ़ी ज़्यादा पानी ना अब्जॉर्ब करती है, तो क्या सीन हुआ था, मैं ऐसे इसके अंदर पानी डाल के इसको बढ़ना शकरकंदी रख देता था 3-4, जब वो बॉयल होती थी वो पानी ना काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती थी, तो क्या होता था पानी अंदर से ख़त्म ही हो जाता था, इतना ज़्यादा ना अगर ज़्यादा आप चीज़ रखते हो तो क्वांटिटी में, पानी गर्म गर्म हीट होके एक तो वो चीज़ को भी मेल्ट कर रहा है, ऊपर से वो ना ख़त्म होने के चांसेस होते हैं, आप उन्हें चेक करते रहना, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो ये ऐसे चलती रहती है, तो इसके अंदर एक इधर रॉड्स है जो कि आप लोगों को नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे चेक करोगे ना, यहाँ पे अंदर इसके ना एक कह लो लोहे की चिप्स ही है, चिप्स ही नहीं ऐसे कह लो, एक ना स्ट्रिप है लोहे की जो कि हीट होती है, जिसकी वजह से ये सारा वाटर ना बॉयल होता है, तो वो जब हीट होगी तो अंदर पानी कोई नहीं है तो वो इस प्लास्टिक को ना मेल्ट करेगी, उस प्लास्टिक मेल्ट होगी तो ये प्लास्टिक लीक होना शुरू हो जाएगा, लीक हो जाएगी तो इसका फ़ायदा खत्म होगा, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं और आप इसको ना, मतलब आप, हमने कहा कि सर्दियां थी हमने अंडे बॉयल कर लिया, अब इसको मैंने यूज़ नहीं करना, तो अब आप इसको किसी ना, इसको अच्छे से ना खुश करके रखें, क्योंकि इसके अंदर ना रस्टिंग लग जाती है, क्योंकि वो लोहे के अंदर से ट्रिप्स होती है, वो रस्टिंग लग जाती है, जब रस्टिंग लग जाए तो यहाँ से ना इसकी जो वायर का कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, मेरा यही सीन हुआ था, रस्टिंग लग गई थी। और दूसरा सीन जो मैं बता रहा था वो ये था, वीडियो कट हो गई थी, तो दूसरा सीन ये है कि अगर आप इसको ना, जब आपको मतलब सर्दियां चल रही हैं तो आपने इसको चला रहे हैं, अब आप चाहते हो कि इसको ना मतलब छोड़ दो, इसको कोई काम नहीं है, रहने दो, बॉयल जितने अंडे खाने से खा लिए, इसको आप साइड पे रख रहे हो, तो आप क्या करेंगे इसको तो अच्छे से ना खुश करके रखें, ये ना हो कि इसमें थोड़ा सा पानी हो, उससे क्या होगा इसमें रस्टिंग लगेगी, क्योंकि इसके अंदर एक लोहे की स्ट्रिप्स है जो कि आपको मैंने अभी बताया कि इसके अंदर ये जो प्लास्टिक है वाइट कलर की इसके नीचे है वो, तो ये जो लोहे की स्ट्रिप है इसका क्या सीन होगा कि इसको रस्टिंग लग जाएगी तो इसकी जो वायर का कनेक्शन है वो टूट जाएगा, मेरे साथ यही सीन हुआ था, वायर का कनेक्शन टूट गया, मैंने जब उसको वापस से जोड़ने की कोशिश की तो उसका जो नट था ना, जो उसका स्क्रू था उसमें बिल्कुल तंग था, तो वो खोला उसको, तो ये प्लास्टिक की ना लीक हो गई है, जब इसमें पानी डाला, चलती फिर भी थी,
चलती थी, ये मैं बात है उसकी, चलती थी जब उसको मैं चलाता था वो चलती थी अच्छे से, लेकिन वो पानी लीक होना शुरू हो जाता था, अंडे बॉयल हो जाते थे, लेकिन अगर कोई सब्जी अंदर नहीं बंदा बॉयल कर सकता था, मैं वहाँ पे टोर से ना बाहर रखता था उसको, फिर वो चलती थी। तो ये दो चीज़ें आपने रखनी है, तो इसको रस्टिंग से बचाना है, दूसरा आपने इसको जब भी चलाएं तो उसको पानी का चेक कर लेना है कि पानी आपका लेवल डाउन ना करे, क्योंकि पानी अगर नीचे डाउन होगा तो ये मेल्ट करेगी किसी और चीज़ को अंदर, बिल्कुल ही खुश्क हो जाएगी, तो ये प्लास्टिक को पिघला सकती है, तो वो चीज़ हमने नहीं करनी। ठीक है, अभी हम लोग इसमें अंडे बॉयल करते हैं और उसके अंदर कुछ सब्जियां भी बॉयल करेंगे, और आने वाले टाइम में कुछ और बॉयल होगा तो वो भी करेंगे लाजमी, तो फुल कंबाइंड वीडियो करके मैं अपलोड करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पानी है और ये बॉयलर है, ठीक है, एग बॉयलर, वेजिटेबल बॉयलर, स्टीमर, जो भी कह लो, इसके अंदर मैं कुछ चिकन भी बॉयल करके देखूंगा होता है कि नहीं, उसके अंदर पानी कैसे कितना डाल लूँ, बोला मैं दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट टाइम इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ मैं, तो ये मैं इसके अंदर पानी डाली जा रहा हूँ, आपने भी फिक्र होकर जिधर डलता डाली जाओ, इसको सुराख से डाली जा रहा हूँ, और ये चेक करें, ये चेक करें, ये जब ये जो वाइट वाइट से है ना ये वाले यहाँ तक पहुँच जाए तो मैं इतना इतना डालता हूँ पानी, वाइट वाइट वाले है, अगर ज़्यादा डालोगे तो बाहर आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बॉयल होता है पानी, इन्हें बॉयल होना होता है, तो इतना मैं पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, इतना पानी मेरे ख्याल में काफ़ी, अगर आपको ज़्यादा थोड़ा लग रहा है तो थोड़ा और डाल लें, या ये जो वाइट है ना अंदर मिडल में, ये चेक करवाएं, ये वाइट अंदर गोल सा है, इसको डुबा दें बस, तो काम चल जाएगा, मतलब कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अभी हम लोग इसको स्विच में लगाते हैं, इसके अंदर अंडे रखते हैं और इसको बॉयल करते हैं, और आपको दिखाता हूँ कितनी देर में ये फुल बॉयल अंडा ना बॉयल कर रहा है। यार ये अंडे हैं तकरीबन मैं चार बॉयल करने लगा हूँ, तो इसको आपने इस तरह सिंपल इसको रख देना, इसको मतलब पानी में डुबोने की जरूरत ही नहीं है, ज़रूरी हम लोग यही करते हैं कि अंडा पानी में जब तक डुबोएगा नहीं तो वो बॉयल नहीं होगा, तो इस तरह रखते हैं जिस तरह मर्जी इधर रख दें, चार आपकी मर्जी है, तो मैं इस तरह चार रखने लगा हूँ, ऊपर से ये जो कैप है इसका इस तरह मैं करने लगा हूँ, ये चेक करें इस तरह, और ये बंद हो गया टोटली, ये अंडे अंदर रखे हैं और इसको मैं बंद करने लगा हूँ, सही हो गया, तो ये हो गया सिस्टम सारा, और अब मैं इसको स्विच को यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ये स्विच ऑन। अभी आपको थोड़ी सी आवाज़ या वाइब्रेशन थोड़ी सी फील होगी, अगर इसको हो सकता है मैं चुप करता हूँ, शायद आपको थोड़ी सी ना आवाज़ आए, बिल्कुल एक ना माइनर सी आवाज़ है, ना कुछ होता है, अंडे भी पाल हो जाते हैं। टाइम आपने नोट कर लेना है, जैसे कि मैं टाइम यहाँ पर देख लेता हूँ कितना है, 7:30 हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद मैं टाइम देखूँगा कि क्या सीन है, कि उतनी देर बाद कोई तकरीबन 10 मिनट बाद ना, 30 मिनट बाद, क्योंकि मुझे फुल बॉयल चाहिए, तो ये थोड़ा सा पास दिखाई, देखना आवाज़ आती थोड़ी सी, आवाज़ जैसे अंदर से मैं दिखा देता हूँ बेसिकली, वो चेक करें अंदर से ना पानी ना बॉयल होने लग गया, क्योंकि आवाज़ का कोई सीन तो हो नहीं रहा, तो अंदर से ये पानी अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा फील हो रहा है, पानी ना अंदर से बॉयल होने लग गया, तो उसकी स्टीम से ही ना इसने बॉयल हो जाना अंडों ने, ये देखे चेक करें बुलबुले आ रहे, ये चेक करें आप, ये चेक करें अंदर से ना पानी बॉयल होने लग गया, वो थोड़ी सी वो स्टीम भी निकल रही है वाटर की, ये देखें, तो इसको हम लोग बंद करते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लाजमी रखें वरना अंडे ज़्यादा टाइम लेंगे, ढक्कन ऊपर रख रहा हूँ मैं, तो हम लोग ठीक ना 10 मिनट बाद इसको ना वापस से चेक करते हैं। यार अभी ना आवाज़ आना शुरू हो गई है, आपको शायद ना आवाज़ सुनाई दे रही, मैं चुप करता हूँ, ये इसकी आवाज़ आती है थोड़ी सी माइनर सी, इतना ज़्यादा फील भी नहीं होता, और आप आराम से कमरे में बैठे बैठे ना इस तरह ये चेक करें। ये अंजुम भाई जिनका चैनल का सब्सक्राइब मतलब के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके, थोड़ा सा हमें भी प्रमोट कर दिया करो भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ तो ये आराम से अपने मोबाइल पर जुड़े हुए हैं, तो आराम से कमरे में आप इस तरह वो एक लैपटॉप पर लगाओ तो आराम से आप कमरे में ना इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। तो इसको मैं खोल के थोड़ा सा आपको ना शो करवाता हूँ, ये चेक करें, तो अंडे गीले हो गए और वो देखिए पानी कैसे निकल रहा है, तो इसको मिलते हैं 10 मिनट के बाद ना हम लोग अच्छे से। या तकरीबन 14 मिनट हो गया मेरे ख्याल में, मुझे भूल गया हुआ था, तो अब मैं इसको बंद करने लगा हूँ, ये चेक करें इसको बंद कर दिया, और हम लोग इसको ओपन करते हैं, और ये देखिए अंडे के ना, ओहो ये ना ज़रा आगे वो सीन आ गया, इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, अंडे के ना वो चेक करें आप, इधर से आपको नज़र आ रहा ना अंडा अच्छे से, तो अंडे बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं, तो अंडे तो बॉयल हो गए, अभी इसमें मैं और भी चीज़ें बॉयल करके आपको दिखाऊंगा, और भी चीज़ें अच्छे से बॉयल होंगी वो भी आपको दिखाऊंगा, इसको मैं अंडे को छिलका उतार के ना मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटली अच्छे से बॉयल है। यार ये अंडा चेक करो आप लोग, अभी मैंने इसका छिलका उतार लिया है, थोड़ा सा फोकस करता हूँ उसको, ये पीछे पहले भी एक ही खा चुका है ये जिन बाबा, ये खा चुका है, अब ये इसका एक पड़ा हुआ अभी, ये इसका मैंने ना बॉयल कर लिया मतलब छिलका उतार लिया, तो इसका तोड़ते हैं थोड़ा सा, इसको तोड़ना बल्कि इसने खा जाना, इसको तोड़ना, ये चेक करें, ये फुल बॉयल अंडा था हमारा, ये पकड़ाना ज़रा मैं थोड़ा सा दिखाऊं ना, इधर दे
ये देखें जी फुल बॉयल अंडा था हमारा, वो चेक करें, बिल्कुल ना एक्यूरेट जैसे होता है वैसे वाला बॉयल हुआ है। तो अच्छी चीज़ है ये, मदद की चीज़ है। अभी हम लोग और भी चीज़ें बॉयल करते हैं, वो भी चेक करते हैं वो कैसा है, वो पीछे तोड़ रहा है आराम से। अभी इसमें ना जो बॉयलर है, अभी इसमें मैं आलू बॉयल करने लगा हूँ। ये मैंने रखे हैं, इसमें कुछ आ नहीं थे रे ज़्यादा ना, मैंने उतने रखे हैं कि जिससे लगा ना ढक्कन ऊपर से बंद हो जाए। इसमें मैंने पानी डाल दिया ऑयल नीचे, अगर आपको दिख रहा हो तो पानी मैंने डाल दिया और मैं इसको रखने लगा हूँ। और अभी इसको बॉयल करते हैं, तो इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी बॉयल हो जाएंगे, मतलब आराम से ना आलू भी बॉयल हो जाएंगे। तो इसको कैप के ऊपर से बंद करते हैं। अंजुम जी कैप बंद करें, अंजुम कैप बंद करें, ये बल्कि हो ही गया। तो ये ऐसे करके बंद, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और फिर इसको दिखाता हूँ कि बॉयल होता है कि नहीं होता। मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे लगा के, और ये अभी टाइम इतना हो गया कुछ देर का, 15-20 मिनट के बाद मैं देखूँगा कि क्या सीन होता है। आराम से इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए, मैं एक दफ़ा चेक फिर से करवा देता हूँ आप लोगों को। ये आलू डाले हुए मैंने, ठीक है, तो ये वाइब्रेट कर रही है। तो करते हैं अभी ना इसको ट्राई कैसा होता है। हमारा खाने का दिल कर रहा था, अंजुम का खाने का दिल कर रहा, अंजुम भाई भाई आलू खाने का दिल कर रहा था ना बहुत दिनों बाद, दिल कर रहा था इसलिए बस। अंजुम की फरमाइश थी कि आलू ना खाएं, तो मैंने कहा चलो साथ में वीडियो भी बना लेते हैं। तो ये भाई भी साथ में खाएंगे दो, और दो ये खाएंगे और दो मैं खाऊंगा, पूरे छः, जिसमें पांच बॉयल हुए, एक पड़ा हुआ बैरी, अभी ये पड़ा हुआ एक, दो आलू बॉयल हो गए। इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया बॉयल होते हुए, अभी टाइम देखें आप, मतलब टाइम हो गया 39 और हमने 52 पे, इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन ये बॉयल हो गया। इधर से मेरे पास ये क्रू ड्राइवर है, कोई थी नहीं कुछ और, तो ये देखे आराम से ना ये मतलब जा रहे हैं अंदर, और ये वाला जैकर वहाँ पर ये भी आराम से, तो काफ़ी अच्छे से बॉयल हो गया मेरे ख्याल में। हम लोग इसको खाते हैं, तो मतलब आलू भी आराम से ये बॉयल कर सकती है, पांच आलू हैं और भी दो टैनी कोई चीज़ के, इसने आराम से ना मतलब इतना ज़्यादा टाइम लिया है, वैसे टाइम इसने काफ़ी ज़्यादा लिया लेकिन बॉयल अच्छे से हो गए। ये भी स्विच लगा हुआ था अंदर, तो इसमें कोई और चीज़ अगर मेरे मिलती है, जिस तरह मैं चिकन का सोच रहा हूँ, चिकन का बॉयल करके फिर सिर्फ वीडियो बनाना कम्प्लीट करूँगा। ये मैं चिकन भी ले आया हूँ, मैंने सिर्फ दो पीसेस ले गया हूँ ताकि ज़रा चेक कर लें होता बॉयल के नहीं। तो इसको मैं राइस के ऊपर रख दिया, नीचे मैंने पानी डाल दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। तो अब इसको चेक करते हैं हम लोग, ये बॉयल होता है कि नहीं, मतलब कैसे बॉयल होता है। तो आलू का जो सीन है, आलू ने तकरीबन एक घंटा लिया था बॉयल होने में, इसका देखते हैं अब ये कितनी देर लेता है बॉयल करने में और होता भी है कि नहीं। मेरे ख्याल में तो हो जाएगा, लेकिन खैर मैं चेक करते हैं क्या सीन है इसका। ये मैंने इसके ऊपर दे दिया ढक्कन, ठीक है, इसको अच्छे से बंद कर लेते हैं। आलू का ये सीन हुआ था, लेकिन दफ़ा ये सही तरह से बंद नहीं हुआ था, तो आपने कोशिश करनी अच्छे से बंद हो जाइए, और इसको बटन को कर देते हैं ऑन। बस आप वेट करते हैं कितनी देर में ये बॉयल करते हैं। यार ये चिकन भी ना बॉयल हो गया, तकरीबन इसने 30 मिनट्स लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया इसके लिए, चेक करेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ा तो आराम से टूट गया ये, तो चिकन के दोनों पीस आराम से बॉयल हो गए हैं, मतलब कि वेजिटेबल भी बॉयल कर रहा है, अंडे भी बॉयल कर रहा है और चिकन भी बॉयल कर रहा है। अभी जितनी ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी उतना ज़्यादा टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन बॉयल कर देता है ये स्टीम, और ऊपर से स्टीम के साथ थोड़ा सारा ना पानी के अंदर जा रहा है ये, तो अगर कोई जिम वगैरह वाले काम करता है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो सही है, मतलब आपको समझ आ गई होनी है कि हर चीज़ ये बॉयल कर रहा है। चेक करें इसका ना, ये चेक करें बिल्कुल ना, ऐसे सही सीन हो गया इसका बिल्कुल ना। अभी एक अंजुम खाएगा और एक मैं खाऊँगा, वो रेडी बैठा हुआ है। तो यार मैं मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो पे, एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अंजुम भाई क्या कहना चाहेंगे आप? डन। वेल डन।